अरविंद केजरीवाल, आप डंके की चोट पर दुनिया जहां से सवाल पूछते हैं, आपका हर सवाल 100% सच होता है, बाकी पूरी दुनिया भ्रष्ट रहती है। आप जब मुख्यमंत्री थे, एक इन्वेस्टिगेशन हुआ, आपके एक मंत्री थे सोमनाथ भारती, दुनिया का एक बड़ा इंटरनेट स्कैम था। उस इंटरनेट स्कैम में टॉपसाइट्स नाम की कंपनी थी, उस कंपनी का वेबसाइट पर मालिक का नाम सोमनाथ भारती था, रजिस्ट्रार का नाम सोमनाथ भारती था, एडमिनिस्ट्रेटर का नाम सोमनाथ भारती था, फाइनेंस कॉन्टैक्ट का नाम सोमनाथ भारती था, और सवाल खड़ा हुआ कि सोमनाथ भारती का स्कैम वाली कंपनी से क्या सवाल। उस वक्त पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमने सोमनाथ भारती से पूछ लिया है और सोमनाथ भारती का कहना है कि उनका इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं। जब भी आप रॉबर्ट वाड्रा पर, अदानी पर, मुकेश अंबानी पर सवाल खड़ा करते हैं, आप चाहते हैं कि फौरन एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठ जाए, कि सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करे, कि पुलिस उसकी जांच करे। लेकिन जब आपके एक साथी पर सवाल पूछा गया तो आपने कहा कि नहीं, हमने उनसे पूछ लिया, उन्होंने कहा कि उनके एक एसोसिएट ने उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल किया, इस वजह से उनका नाम उस कंपनी पर आ गया। आरोप का खंडन नहीं किया गया, यह कहा गया महज कि उस एसोसिएट ने उनकी कंपनी का गलत इस्तेमाल किया। लेकिन चूंकि खबर इंडिया टुडे ग्रुप पर चली थी, आज तक पर चली थी, हेडलाइंस टुडे पर चली थी, हमने और पड़ताल की। हम अमेरिका में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में गए, वहां से हमने दस्तावेज निकलवाए, यह पूछा कि क्या केवल नाम इंटरनेट पर था या इसके आगे की बात है। वो दस्तावेज हमारे साथ हैं, आप चाहें हम आपको दिखा देंगे इसके बाद। उन दस्तावेजों को जब देखा गया, फिजिकल कॉपी, तो टॉपसाइट्स नाम की कंपनी में हस्ताक्षर, दस्तखत आपके साथ ही सोमनाथ भारती के हैं। न केवल नाम था, उसका हस्ताक्षर है उनके, और ये डॉक्यूमेंट हमारे पास है, ये डॉक्यूमेंट मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप दुनिया को पाठ तो खूब पढ़ाते हो, लेकिन जब आपसे सवाल पूछे जाते हैं ऐसा लगता है कि सामसूंग गया अरविंद केजरीवाल को, सामसूंग गया आम आदमी पार्टी को। ऐसा क्यों होता है कि आप मानते हो कि बाकी सब भ्रष्ट हैं, ईमानदारी का जो पहनावा है वो सिर्फ और सिर्फ आप पर है, और सोमनाथ भारती पर जब सवाल पूछे गए आपने जैसे बाकियों से कहा कि जांच करा लीजिए, आपने वो पैमाना खुद अपने ऊपर क्यों नहीं अपनाया? फिर जांच होनी चाहिए, जब आपको मौका मिला तब आपने जांच क्यों नहीं कराई? आज आप मुख्यमंत्री नहीं है, आज आप ये कह रहे हैं, बड़ा आसान है आपके लिए कहना, बड़ी वाजिब सी बात है, जब आपके पास मौका था। पीपल आर जज बाय व्हाट दे डू व्हेन दे आर इन पावर, नॉट व्हाट दे से व्हेन दे आर इन ऑपोजिशन। अरविंद, व्हेन यू हैड एन अपॉर्चुनिटी यू डिड नॉट टेक दैट अपॉर्चुनिटी, यू रिएक्टेड इन एग्जैक्टली द सेम फैशन एज द बीजेपी एंड द कांग्रेस। यू वॉन्ट टू टेल द पीपल ऑफ इंडिया दैट यू आर डिफरेंट, व्हेन यू हैड द अपॉर्चुनिटी टू बी द डिफरेंस यू डेवलप कोल्ड फीट। अरविंद, आपने मेरे को कोई कागज ही नहीं भेजे। अब अगर आप ये सोचो, मैं आपके सारे प्रोग्राम बैठ के देखता हूं, सर मैं तो आपके प्रोग्राम देखता नहीं, इंटरेस्टिंग नहीं होते, फ्रैंकली बुरा मत मानिए। नरेंद्र मोदी भी ये कहते हैं, रॉबर्ट वाड्रा भी ये कहते हैं, ये बड़ा एक आसान जवाब। आप कागज तो भेज दो। नहीं, कागज तो हम आपको भेजने को तैयार हैं। आप ये सोचो मैं आपके प्रोग्राम देख के और सुओ मोटो सब कुछ, आप कागज भेज दो। आपके जो साथी हैं उन्होंने दस्तावेज मांगे, उन्हें तमाम दस्तावेज दिए गए, और उसके बावजूद उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने पूछ लिया है सोमनाथ भारती से, सोमनाथ भारती का कहना है कि उसका उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं। हस्ताक्षर हैं, दस्तखत हैं आपके साथी के, और जो पैमाना आप दूसरों पर फिट करते हो, कभी कभी शायद वही पैमाना अपने पर भी फिट कर लेना चाहिए। ठीक है सर।